Hello friends, welcome to Navigator. As we discussed in the last video, that from the next video we will start the calculation or the sums based on the compound interest. अब जैसे हमारी बात हुई थी compound interest जो होता है वो amount dominated होता है हमारे पास actually यहाँ पर खाली दो ही formula available होते हैं एक amount ढूंढने का है that is a is equal to p into 1 plus r by 100 to the power p and the second formula is a is equal to that is amount is equal to principal plus interest. यहां पर आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसके अंदर आइदर दे मे आस्क यू टू फाइंड आउट द अमाउंट दे मे आस्क यू टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल दे मे आस्क यू टू फाइंड आउट द रेट और टाइम चार वेरिएबल है जो हम लोग यूज कर रहे हैं तो चारों में से कोई भी एक या हमें ये लोग पूछ सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट पूछ सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट इससे ऊपर कुछ भी नहीं आ सकता है अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सो केस बाय केस वी विल सी दैट हाउ दिस कैन बी सॉल्व हर बार हम लोग फॉर्मूला यूज नहीं करने वाले हैं बिकॉज़ यहां पर जो फॉर्मूला है वो थोड़ा कैलकुलेशन के लिए डिफिकल्ट हो जाता है तो कैलकुलेशन लेंथी हो जाता है उसकी वजह से सो वी विल ट्राई एंड आइडेंटिफाई वेरियस वेज बेस्ड ऑन द क्वेश्चन सो वन बाय वन वी विल लुक एट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस फर्स्ट केस हम लोग ये सॉल्व करेंगे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है तो क्या अगेन यहाँ पर भी दो केसेस होंगे वो मैं आपको वो आगे जाके एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन डिटेल क्या फर्क है फिर अनदर केस वी विल आइडेंटिफाई अगर कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढना है तो क्या करेंगे एंड देन इन द नेक्स्ट केस वी विल आइडेंटिफाई टाइम या तो वो ईयर्स या तो फिर मंथ्स कि कुछ भी अगर हमें पूछा है तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व So, अब सबसे पहले फर्स्ट केस लेते हैं दैट इज दी आर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढ रहे हैं तो हाउ टू आइडेंटिफाई और हाउ टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर सबसे कॉम्प्लिकेटेड हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना होता है आई हैव अ क्वेश्चन क्वेश्चन सेज देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ 2000 रुपीज मतलब अभी हमारे पास सम या प्रिंसिपल है कितना है 2000 रुपए का इसको कंपाउंडेड एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड आफ्टर थ्री इयर्स अगर ये 3456 बनता है दैट इज नथिंग बट दैट इज द अमाउंट तो वो अभी का प्रिंसिपल अवेलेबल है आफ्टर थ्री इयर्स का अमाउंट अवेलेबल है और मुझे ये भी पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो हमें पूछा है फाइंड आउट व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज व्हाट इज द आर इस केस को हम लोग फॉर्मूलाज से ही सॉल्व करेंगे बिकॉज ये एक स्पेसिफिक केस है और यहाँ पर हमें जो नंबर्स दिए गए हैं ना वो इस हिसाब से है कि आप इसको जल्दी से सॉल्व कर पाओ इफ वी पुट द वैल्यूज इन द केस देन वी हैव द अमाउंट अवेलेबल कितना है 3456 प्रिंसिपल दैट इज 2000 रेट नहीं पता है एंड वी हैव द टाइम ऑल्सो दैट इज three years correct अब ये यहाँ पर denominator में आ जाएगा on the left hand side so 3456 by 2000 is equal to 1 plus r by 100 to the power 3 अब first case आपको जो यहाँ पर check करना होता है जैसे मैंने बताया था rate of interest find out करने के लिए दो केस होता है उसमें से ये first वाला केस है यहाँ पर आप इसको कैसे solve करोगे अगर ये तीन साल के लिए मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं मतलब यहां पावर थ्री है कैन आई कन्वर्ट दिस नंबर्स आल्सो इन सम अदर फॉर्म कि ये भी किसी का क्यूब बन जाए अगर हाँ तो दोनों साइड से हम लोग क्यूब कैंसिल कर सकते हैं ना जहां पर पावर सेम होता है इक्वल टू के दोनों साइड पर वहां पर पावर कैंसिल होता है जहां पर बेस सेम होता है वहां पर बेस कैंसिल हो जाता है तो वो यहाँ पर अगर थ्री इयर्स है तो क्या इसको क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हो अगर ये क्वेश्चन आपको चार साल के लिए मिलता है तो आपको ये चेक करना होता है कि यहाँ पर फोर इयर्स है तो क्या इसको किसी के पावर फोर में ले सकते हो स्क्वायर मतलब दो साल है तो क्या इसको किसी के स्क्वायर फॉर्म में ले सकते हो अगर हाँ देन इट बिकम्स वेरी सिंपल वेरी इजी नाउ दिस 3456 एंड 2000 ये अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो दोनों टू से कैंसिल होते हैं ये कितना हो जाएगा 1000 एंड दिस विल बी 1728
नाउ आई एम श्योर लुकिंग एट दिस नंबर्स दैट इज 1000 and 1728, आपको ये आप पता चल गया होगा कि ये दोनों नंबर्स किसी भी वैल्यू के क्यूब्स है. 1000 इज अ 10 क्यूब एंड 1728 इज अ 12 क्यूब, करेक्ट. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ दैट 12 अपॉन 10 क्यूब इज इक्वल टू दिस 1 plus r by 100 to the power 3. अगर पावर सेम है दोनों की साइड की तो पावर कैंसिल हो जाएंगे. अब ये काफी सिंपल हो गया, 12 by 10 is equal to 1 plus r by 100. ये 1 इस साइड पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 12 by 10 minus 1 is equal to r by 100. ये 10 यहाँ पर ऊपर चला जाएगा LCM लेने के लिए और 100 भी यहाँ पर आएगा, तो ultimately it will be on the numerator 200, in the denominator 10, which is r. तो R कितना बनेगा यहाँ पर 20%. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें ये मिल गया, काफी सिंपल था फाइंड करना. यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दी सेम एंड वी विल कंटिन्यू विद दी सेम कंपाउंड इंटरेस्ट सीरीज इन द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो. थैंक यू.